दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख मेलों के बारे में। भारत के लिए मेले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं मेलों के जरिए हम अपनी आने वाली जनरेशन को अपनी संस्कृति अपनी सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख मेले। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका माधवपुर मेला। माधवपुर मेला दोस्तों गुजरात के एक माधवपुर गांव में मनाया जाता है और ये मेला दोस्तों कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम का साक्ष्य है। कहने का तात्पर्य क्या है, माना जाता है कि जो माधवपुर गांव है दोस्तों यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का मिलन हुआ था। इसीलिए उसी के उपलक्ष में यह मेला मनाया जाता है क्योंकि इस मिलन के बाद ही उनका विवाह हो गया था। तो उन्हीं के उपलक्ष में यह मेला जो कि माधवपुर मेला के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्लियर दोस्तों, इसका सांस्कृतिक और परंपराएं क्या है। मेले में पारंपरिक नृत्य होता है, संगीत होता है, लोक कला होती है, प्रदर्शन होता है जो गुजराती संस्कृति धरोहर को दर्शाती है। मैंने आपको क्या बताया, ये सारे के सारे जितने भी परंपराएं हैं जो कि इस मेले में की जाती हैं, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, जो आपका हर तरीके का प्रदर्शन आने वाली जनरेशन को ये बताता है कि हाँ ये सारी संस्कृति हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखिए इस मेले में आने वाले लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के उपलक्ष में मनाया जाता है। तो आने वाली जनरेशन को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस मेले के माध्यम से उनको अपने आप ही सारी चीजों का पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले मेले के बारे में। अगला आता है दोस्तों सबरीमाला मेला। आप सभी को पता है आपने सबरीमाला मंदिर सुना होगा जो कि आपका केरल में है। यह अक्सर विवादों में रहता है क्योंकि इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री को रोक दिया गया, यानी कि महिलाएं इसमें नहीं जा सकती है। इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के फेवर में या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा सवाल जवाब होते रहते हैं। तो मैं उसी मंदिर की बात कर रहा हूं, उसी मंदिर के इर्द गिर्द सबरीमाला मेला लगता है दोस्तों। क्लियर है, यहाँ पे देखिए ध्यान और स्थान और समय की बात करें तो सबरीमाला मेला केरल के पथाना मथिट्टा जिले में स्थित सबरीमाला मंदिर के नवंबर और जनवरी के बीच में ये मेला आयोजित किया जाता है। अगर इसका धार्मिक महत्व की बात करें तो ये भगवान अयप्पा को समर्पित है और जनवरी में जो हम त्योहार मनाते हैं मकर संक्रांति, उसी के आसपास ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगले मेले के बारे में। अगला आता है गंगा सागर मेला। एक दोस्तों सागर आइलैंड है। कहां पे सागर आइलैंड है, तो आपका पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड है। सागर आइलैंड यानी कि सागर द्वीप, वहीं पे हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी के महीने में ये मेला लगाया जाता है दोस्तों। इसका धार्मिक महत्व की बात करें तो यह मेला गंगा नदी के सागर संगम पर होता है, जहां श्रद्धालु पवित्र स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में जाके गंगा नदी में डुबकी लगा लेने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं और इसी के लिए काफी सारे श्रद्धालु वहां पे आते हैं जिससे वो अपने पाप धो सके। ऐसी मान्यता है दोस्तों इस मेले के लिए। चलिए अगला मेला देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में। इसको हम लोग ऊंट मेला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्थान और समय की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में हर साल कार्तिक महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाता है। अगर यहाँ पे धार्मिक महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा की मंदिर है और पवित्र पुष्कर झील है उसी के पास यहाँ पे ये मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है स्नान करने के बाद, ये इसका धार्मिक महत्व है। इसे ऊंट और पशु मेला भी कहा जाता है, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊंट के साथ साथ बहुत सारे जानवर जैसे घोड़े हो गए, गधे हो गए, उनकी खरीद बेच की जाती है, यानी कि उन्हीं को खरीदने और बेचने के लिए मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला मेला क्या कहता है आपका। ठीक है, हरिहर मेला की बात करते हैं। हरिहर मेला को हम लोग सोनपुर का मेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सोनपुर का मेला भी बोलते हैं। सोनपुर कहां है बच्चों? ठीक है, तो बिहार की बात करते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और दुनिया के कुछ बड़े मेलों में से एक माना जाता है। ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। स्थान और समय की बात करें
तो सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर शहर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह मेला नवंबर और दिसंबर के आसपास लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने हरिहर मेला क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे भगवान हरिहर नाथ की पूजा की जाती है दोस्तों, क्लियर पॉइंट। अब देखिए, धार्मिक महत्व की बात करें, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे गंगा और गंडक नदियों के संगम स्थल पर इसको मनाया जाता है और यहाँ पे भगवान हरिहर नाथ की पूजा की जाती है। ये पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, यहाँ पे पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है, खरीद फरोख्त होती है दोस्तों, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं। अगला मेला दोस्तों त्रिशूर मेला है, जो कि केरल राज्य में है। त्रिशूर मेला जो कि केरल राज्य में लगाया जाता है, त्रिशूर मेला जिले त्रिशूर पूरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो त्रिशूर मेला जो है जिस जिले में लगाया जाता है उसे त्रिशूर पूरम भी कहा जाता है, इसलिए इसे त्रिशूर पूरम मेले के नाम से भी हम लोग संबोधित कर सकते हैं, क्लियर है। इसका धार्मिक महत्व की बात करते हैं, त्रिशूर मेला मुख्य रूप से, ठीक है, वडक्कुनाथ मंदिर के इर्द गिर्द मनाया जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। वडक्कुनाथ मंदिर याद रखेंगे, भगवान शिव को समर्पित, ये भी याद रखेंगे। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे 30 से अधिक हाथी सजे धजे रहते हैं और हाथियों की परेड की जाती है। याद रखिएगा, त्रिशूर मेला में हाथियों की परेड की जाती है, सजे धजे हाथी होते हैं और ये केरल में मनाया जाता है दोस्तों, केरल के त्रिशूर जिले में मनाया जाता है। अगला आता है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। हस्तशिल्प मेला यानी कि यहाँ पे हाथों से बनाए हुए सामानों को बेचा जाता है, यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, ठीक है, अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करने के लिए। राज्य हरियाणा पे दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करें फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। यह 15 दिनों के लिए मेला लगाया जाता है दोस्तों, फरवरी के महीने में 15 दिन के लिए लगाया जाएगा। हस्तशिल्प और कला की बात करें तो इस मेले में, ठीक है, भारत से या देश विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है, मिट्टी से बने हुए बर्तन हो गए, कपड़ा, धातु, लकड़ी, इन सब चीजों से बना हुआ सामान बेचते हैं, जिससे कि कला को बढ़ावा मिलता है, ठीक है दोस्तों। मेडारम यात्रा की बात करते हैं, मेडारम यात्रा राज्य तेलंगाना में मनाया जाता है। मेडारम यात्रा तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के मेडारम गांव में आयोजित किया जाता है। यह यात्रा हर 2 साल में एक बार की जाती है, आयोजित की जाती है जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में। अब देखिए इसका धार्मिक महत्व क्या है, मेडारम यात्रा, ठीक है, समक्का सरक्का जात्रा के नाम से भी जानी जाती है। और क्यों जानी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो आदिवासियों की देवी समक्का और उनकी बेटी सरक्का को समर्पित है, क्लियर पॉइंट यहां पे। समक्का सरक्का यात्रा के नाम से भी जानी जाती है, समक्का मदर थी उनकी देवी और उनकी बेटी का नाम सरक्का था, तो इनके लिए ये यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। इसे भारत की सबसे बड़ी जनजातीय धार्मिक सभा भी माना जाता है। और एक और बात बता दूं, इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का महाकुंभ भी इसे कहा जाता है, क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए आदिवासी संस्कृति की बात करें, इस यात्रा के दौरान आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति प्रदर्शन करते हुए वे समक्का और सरक्का को सम्मान और अनुष्ठान देते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, उनको सम्मान समर्पित किया जाता है इस यात्रा के दौरान। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रमुख मेले, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इसी तरीके के सेशन के लिए हमारे सीएमसी इंदौर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों, जय हिंद।